प्रश्नावली 3.2 आबयू कक्षा 12 सवाल नंबर चौथा है। यदि a बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 b बराबर 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 c बराबर 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 तो आपको ज्ञात करना क्या है a प्लस b और b माइनस सी, इसको आपको ज्ञात करना है। साथ ही आपकी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। आपको मैंने योगफल भी सिखाया था कि अगर योगफल करना हो तो आप संगत अवयवों को जोड़ेंगे, क्योंकि योगफल तो तभी संभव होगा जब ऑर्डर समान हो। तो आपको a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी तो योगफल तो तभी होगा ना जब ऑर्डर क्या हो, क्रम जो है समान हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों का क्रम 3x3 ही है, तो योग तो बनता है भाई, दोनों का योग तो होगा ही। क्यों योग होगा? क्योंकि दोनों का क्रम समान है। अब क्रम समान है तो क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ेंगे। वन में वन को जोड़ेंगे और टू में माइनस थ्री को, माइनस थ्री में फाइव को, फाइव में जीरो को, जीरो में टू को, टू में फोर को, वन में थ्री को और माइनस वन में जीरो को, वन में फाइव को। इस प्रकार आपको ए प्लस बी तो मिल ही गया, मिल गया ना। सभी ध्यान दीजिए, सबको आ रहा है समझ में? ये देखिए आपको ए प्लस बी मिल गया, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी बी माइनस सी भी ज्ञात करना है। अगले पेज में देखिए बी माइनस सी को कैसे निकालते हैं। बी माइनस सी को कैसे निकालते हैं, वन माइनस थ्री फाइव, जीरो टू फोर, थ्री जीरो फाइव, माइनस फोर वन टू, जीरो थ्री टू, वन माइनस टू थ्री। अंतर भी उसी की तरह, कैसे करेंगे भाई, वन में माइनस फोर, माइनस थ्री में माइनस वन, फाइव माइनस टू, जीरो माइनस जीरो, टू माइनस थ्री, फोर माइनस टू, थ्री माइनस वन, जीरो प्लस टू और फाइव माइनस थ्री। अब वन में फोर गया, माइनस थ्री, माइनस फोर और फाइव टू, फाइव में टू गया थ्री, जीरो माइनस वन टू और टू टू टू। इस प्रकार हमने बी माइनस सी निकाला। अब आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी, आप ए को जानते ही कौन है, वन टू माइनस थ्री, फाइव जीरो टू, वन माइनस वन वन। अब बी माइनस सी निकालिए, माइनस थ्री माइनस फोर थ्री, जीरो माइनस वन टू, टू टू टू। तब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू लिख देते हैं, टू माइनस फोर माइनस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, फाइव में जीरो फाइव, जीरो में माइनस वन माइनस वन, टू में टू फोर, वन टू थ्री, माइनस वन प्लस टू वन, वन प्लस टू थ्री। अब राइट हैंड साइड देखिए a प्लस बी माइनस सी, अगर आपको याद हो a प्लस बी निकला है पहले से, टू माइनस वन टू, फाइव टू सिक्स, फोर माइनस वन सिक्स और माइनस सी, सी का मान क्या है, फोर वन टू, जीरो थ्री टू, वन माइनस टू थ्री। अब इसको घटाएंगे, टू माइनस फोर, माइनस वन माइनस वन, टू माइनस टू, फाइव माइनस जीरो, टू माइनस थ्री, सिक्स माइनस टू, फोर माइनस वन और माइनस वन प्लस टू और सिक्स माइनस थ्री। अब टू माइनस फोर क्या होगा, माइनस टू माइनस टू जीरो, फाइव माइनस वन फोर और थ्री वन थ्री, माइनस टू जीरो, फाइव माइनस वन फोर, थ्री वन थ्री। देखो दोनों बराबर हैं, ये भी वही है अभी, ये भी वही,
तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, आपका ये वेरीफाई हो गया।